हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ सी एल सी सीकर। आज अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं गुणनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, और जिसमें आपका टॉपिक है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपकी यूनिट नंबर 8 है, इससे पहले 7 यूनिट डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आप, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। अपने को डिटरमिनेंट गिवन है एफ एक्स, और इसमें अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और कौन सी मैक्सिमम वैल्यू। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देखो इसमें क्या होगा, एफ एक्स अपने को गिवन है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, आर वन आपको गिवन है, आर टू, तो आर वन को मैंने चेंज कर दिया आर वन माइनस आर टू में, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, आर टू को भी चेंज कर दिया आर टू माइनस आर थ्री में। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स में से इसको माइनस करोगे आप तो माइनस का वन बचेगा, क्लियर। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होने के बाद वन बचेगा, और यहाँ पर जीरो अगेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर टू में से आर टू को आर थ्री को माइनस करोगे आप तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ पर अगेन कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स आएगा। और यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है आपके सामने, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन साइन टू एक्स, ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। तो देखो आप, इसमें एक तो रो जीरो हो चुकी है, तो एक काम करते हैं अपन, एक रो मतलब फर्स्ट रो में एक एलिमेंट जीरो हो चुका है, तो एक काम करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको ओपन कर दें। आप चाहो तो इसमें इसको ऐड कर सकते हो भी आप, है ना, ये भी कर सकते हो क्या, कि सी वन चेंजेस टू सी वन प्लस सी टू, सी वन चेंजेस टू सी वन प्लस सी टू। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, देखते हैं जरा आगे, एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू वॉट, वन प्लस वन जीरो, वन प्लस जीरो वन, एंड दिस इज ऑल्सो वन, ओके। तो यहां पर क्या बचा अपने पास, वन जीरो कॉस स्क्वायर एक्स, जीरो कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स, क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, साइन टू एक्स, तो ये आ गया आपका एफ एक्स। अब इसको अपन ओपन कर लेते हैं अलोंग, एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग आर वन। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एलिमेंट दिखाई दे रहा है माइनस वन, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। माइनस वन क्यों हो गया, समझे ना, प्लस माइनस, ये जो एलिमेंट होता है उसमें आई प्लस जे की पावर क्या आती है वैल्यू, माइनस वन, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आ गया आपका, जब पावर ऑड होती है ना, आपको ये तो पता है ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस चलता है ना सिस्टम, तो माइनस वन की पावर आई प्लस जे आपको साइन देता है, तो यहाँ पर पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, इसलिए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। और एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन है इसका मतलब क्या, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन इन टू क्या आ जाएगा बताओ, दिस इन टू दिस, दैट मीन्स साइन टू एक्स माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, वन इन टू दिस। तो इसको उल्टा कर दूं मैं, साइन टू एक्स को पहले लिख देता हूँ और कॉस टू एक्स को बाद में, साइन चेंज कर दिया मैंने माइनस, साइन टू एक्स हो गया प्लस का, ठीक है, और कॉस टू एक्स हो गया माइनस का दिस। तो क्या गया, आंसर सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, हो गया क्वेश्चन खत्म, सॉल्व करो इसको, माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा देखो, इसको मैं यहां सॉल्व कर लूं, क्या आ रहा है बताओ, देखो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने माइनस वन इंटू साइन टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, कितना हो गया, टू साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स। अब याद करो वो दिन जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बढ़ी थी, उसमें क्या था कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की जब फॉर्म बनती है, तो उसमें अपनी रेंज कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, टू, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट फाइव से प्लस रूट फाइव आएगी, माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा, वो साइन चेंज हो जाएगा, बट रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, माइनस रूट फाइव से प्लस रूट फाइव। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इस फंक्शन की, रूट फाइव, सो मैक्सिमम वैल्यू इज रूट फाइव। तो चलते हैं अपन ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, चले आगे। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन समीकरण निकाय ये इन्फिनिट सॉल्यूशन रखती है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या करती है, इन्फिनिट सॉल्यूशन रखती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपने को डेल्टा जीरो होगा, और डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री भी जीरो होगा। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा तो जीरो होगा बट उसमें डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन वी कैन से द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेल्टा जीरो कर दें इसका, तो डेल्टा जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो के थ्री माइनस टू, वन माइनस वन माइनस टू, टू माइनस टू माइनस फोर, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट को क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा ये सॉल्व होके, के इंटू के साथ क्या आएगा यहाँ पर, फोर माइनस फोर, तो ये तो निपट गया, जीरो हो गया ये तो, ठीक है। नेक्स्ट माइनस वन इंटू क्या आएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फोर
माइनस का 12 माइनस 4 एंड द लास्ट 2 इंटू माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 तो ये आ रहा है माइनस का 16 और 2 8 8 टू 16 और यहां पर क्या आ रहा है प्लस का 16 और ये तो क्या हो गया 0 हो गया तो ये कंप्लीट क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसका मतलब डेल्टा तो 0 होगा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर के बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है अपना डेल्टा 0 है अब हम चेक कर लेते हैं डेल्टा 1 या डेल्टा 2 डेल्टा 1 को तो देखो रिप्लेस करने कोई फायदा नहीं है ना डेल्टा 1 निकालने के लिए तो 1 2 3 d1 d2 d3 को अपन किससे रिप्लेस करेंगे a1 b1 c1 से है ना या a2 a3 कुछ भी बोल लो आप है ना तो इसको आप इससे रिप्लेस करने का कोई फायदा नहीं है k नहीं मिल पाएगा मेरे को तो मैं क्या करता हूं इसको b1 b2 b3 से रिप्लेस कर लेता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा डेल्टा y कहने का मतलब डेल्टा y क्या आ जाएगा यहां से k 3 minus 2 1 minus 1 सॉरी 1 2 3 एंड द लास्ट 2 minus 2 minus 4 जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट क्या करना है बताओ k इंटू क्या आ जाएगा k इंटू आ जाएगा माइनस 8 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 6 और आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन तो ये क्या आ जाएगा माइनस 8 प्लस 6 हो गया माइनस 1 इंटू क्या आएगा ये आएगा आपका माइनस 12 माइनस 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 16 आ जाएगा यहां पर एंड द लास्ट 2 इंटू क्या आ जाएगा देखो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 तो कितना हो गया सॉल्व कर लो इसको 26 और 16 कितना हो गया 42 42 डिवाइड बाय माइनस 2 तो कितना आ गया ये 42 वहां जाके माइनस हो जाए k की वैल्यू आ गई 21 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 तो k की वैल्यू 21 होगी तो इनफिनिट सॉल्यूशन रखेगा ये ना तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी आप डेल्टा 3 भी चेक कर सकते हो ना कोई दिक्कत नहीं है 21 चलते हैं आगे नेक्स्ट यस क्वेश्चन नंबर 3 लेट a इक्वल टू दिस वेयर x y एंड z आर रियल नंबर्स सच दैट x प्लस y प्लस z तो क्या है अपना ग्रेटर देन 0 है एंड x इनटू y इनटू z क्या है अपना 2 तो a स्क्वायर इज द i3 है ना थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कौन a स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ दिस इसका वैल्यू निकालना है अपने को तो एक काम कर लेते हैं अपन सबसे पहले देता हूं मेरे को आप a स्क्वायर इक्वल टू क्या देखा है अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रही है i3 तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा अपना डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1 होता है आपको पता है सिंपली आप क्या करो एक काम करो छोटा सा आप यहां पर क्या कर लो डिटरमिनेंट ए निकाल लो डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा यहां से एक्स वाई जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो पहले एक काम और कर सकते थे क्या कि आप पहले इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा आप क्या करो आर वन को चेंज कर लो है ना आर वन को या सी वन को किसी को भी है ना आर वन को चेंज कर लो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करोगे तो क्या आ जाएगा देखो जरा आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उसको ले लो बाहर कॉमन ठीक है ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया बाहर अंदर क्या बचेगा 1 1 1 क्लियर और आगे नीचे क्या बचेगा वाई जेड एक्स वाई अब आपको कुछ नहीं करना सिंपली आप एक बार प्रॉपर्टी और यूज कर लेते हैं ऐसा करते हैं ना प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं देखो आप अपन मैंने क्या किया C1 को चेंज किया C1 माइनस C2 और उसके बाद C2 को चेंज किया C2 माइनस C3 ठीक है तो अब मैंने क्या किया ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए हो जाएगा आपका बोलो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना ठीक है ना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना तो बताओ 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी 1 माइनस 1 बाद में क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे रह जाएगा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड और यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स और यहाँ क्या रहेगा एक्स यहाँ क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई ठीक है आर वन को आप देखो ध्यान से तो दो दो एलिमेंट जीरो हैं थर्ड एलिमेंट के लिए एक्सपेंड कर दो आप इसको तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या आ जाएगा बताओ वन इंटू वन के साथ क्या जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो आप क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और प्लस का वाई जेड ये हो गया इसके बाद जेड माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर बन गया तो माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर को आप खोलोगे तो क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू जेड एक्स प्लस का टू जेड एक्स ये आ गया अब डिटरमिनेंट ए चल रहा है ना इसको आप देखो ध्यान से देखो यहां पर ना माइनस साइन आप कॉमन ले लेते हो इसमें से तो देखो क्या बनेगा पता है माइनस साइन चलो मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बन गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दैट इज द होल, दैट इज द आइडेंटिटी, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है अपना, है ना, इसमें बस किस कौन मिसिंग है अपना, थ्री ए बी सी मिसिंग है, तो अपन कर लेंगे अपनी तरफ से एड और सबट्रैक्ट, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इधर आ जाओ देखो, यस देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं आराम से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और माइनस क्या क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। और आपको पता हो, आपको याद हो तो क्या था, अभी थोड़ी देर पहले सिस्टम था अपना कुछ ऐसा कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू कितनी है, टू है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यदि टू है तो अपन कह सकते हैं आराम से एक्स वाई जेड यदि टू है तो यहां पर रख दोगे आप टू, तो क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, तो डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका, क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस सिक्स, ये आ गया। अब एक काम करो, आप बताओ क्या करोगे इसके बाद, देखो आपके सामने क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल था किसके, आई यानी कि वन के इक्वल था, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना अपन, इसको स्क्वायरिंग कर दें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप देखो इसका स्क्वायर वन है तो इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस वन आ जाएगा, बट अपने को माइनस वन ही लेना, क्यों, क्योंकि वहां पर गिवन था अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपन ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये क्या होता है अपना, वही होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का माइनस जेड, तो कुल मिला के वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अब इसको मैंने लिख लिया क्या, बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस वन, तो सिक्स को आप बदले जाओगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सेवन आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेवन आएगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके सबसे ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा, अच्छा इंटीजर ये था अपना इंटीजर में, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो सेवन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, इसका आंसर आ जाएगा सेवन। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेवन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। लेट ए प्लस टू बी इक्वल टू दिस एंड ए माइनस टू बी इक्वल टू दिस। इफ ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए डिनोट द सम ऑफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन सभी का योग है कौन, ट्रेस ऑफ ए। तो अब आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी की, तो कर देते हैं फटाफट से, ना क्या करना है बताओ आपको, आपको ये तो पता ही है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है किसके, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, सिंपल बात है। तो एक काम करते हैं ना अपन, इसका ट्रेस ले लेते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए और बी अपन सॉल्व कर लेंगे दो इक्वेशन से, तो बताओ इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आएगा, वन प्लस वन टू, टू माइनस थ्री माइनस वन, तो ये तो आ गया माइनस वन, और इसको आप अलग अलग कर लो प्यार से एकदम, है ना, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ बी, सही है। नेक्स्ट ये तो आ गया माइनस वन, नेक्स्ट यहां से क्या आ जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा ट्रेस ऑफ ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, टू प्लस टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, ये आ गया। अब एक काम करते हैं ना अपन, इसको टू से मल्टीप्लाई करके, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, सेकेंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके एड कर लेते हैं दोनों को, है ना, तो अपना ट्रेस ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए का आंसर आ जाएगा, तो टू टू जो फोर, फोर प्लस वन फाइव, तो फाइव टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल हो जाएगा किसके बताओ, टू थ्री या सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, तो ट्रेस ऑफ ए तो आ गया अपना वन, और ट्रेस ऑफ ए यदि वन आ गया तो ट्रेस ऑफ बी कितना आ जाएगा, वन आ गया तो वन माइनस वन माइनस का टू, तो माइनस का वन आ जाएगा, ट्रेस ऑफ बी क्या आ जाएगा अपना, माइनस वन आ जाएगा, तो कुल मिला के अपने से क्या पूछा था, ये ट्रेस ऑफ
सॉरी ये आएगा ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। अपने से क्या पूछ रहा था ये, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ए में से बी को घटाना है तो वन, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। इफ एक्स वाई जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या दिखाया अपने को, डी दिखाया ए बी सी जो सॉरी एक्स वाई जेड जो एपी में उनका। अब कह रहा है कि एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन इज जीरो, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी किसकी, के स्क्वायर की। तो पहले इसको अपन क्या मान लेते हैं, मैट्रिक्स को ए मान लें, तो मेरे को बताओ जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, थ्री फोर फाइव, फोर रूट टू, फाइव रूट टू, के एक्स वाई जेड। अब अपने को गिवन क्या है प्रॉपर्टी कि एक्स वाई जेड किस में है, एपी में है, और एक्स वाई जेड यदि एपी में होंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, टू वाई बराबर एक्स प्लस जेड सम ऑफ टू एक्सट्रीम टर्म्स, है ना, सम ऑफ टू एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल होगा क्या, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो x प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, यहां से 2y के इक्वल हो गया, ठीक है ना, x प्लस जेड किसके इक्वल हो गया 2y के, ठीक है, और 2y बराबर x प्लस जेड है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा काम कर लेते हैं, देखो x प्लस जेड और माइनस करना है 2y, तो इक्वल टू क्या जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो कुल मिला के एक काम करते हैं अपन, है ना, आर वन को चेंज कर लेते हैं, आर वन को अपन चेंज कर देते हैं क्या, R1 plus R3 और माइनस कर देते हैं twice of R2, तो मजा आ जाएगा, देखो आप, तो x plus z हो जाएगा और minus 2y, तो वो 0 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, 3 plus 5 8 हो जाएगा, 8 minus 8 ये भी अगेन 0, तो देखो बहुत ही सुंदर सा आंसर आ रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3 plus 5 8, 8 minus 8 0 आ गया यहां पर, समझ गए ना, बीच वाले का ट्वाइस करना है अपने को, और 4 plus this और माइनस करना है इसका ट्वाइस, यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा ये, तो 4 root 2 minus 10 root 2 कितना आएगा, माइनस का 6 root 2 आएगा, तो k minus 6 रूट टू, सीधे लिख दिया एक बार में, ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी अपने को, है ना, पहले ही लिख लेना सब, ये क्या हो जाएगा 0, है ना, x प्लस जेड माइनस 2y 0, और लास्ट में क्या बचा अपना, ये दोनों 4 5 5 रूट टू के एंड द लास्ट y 2, इसको तो कर दोगे आप, निपटा दोगे आराम से। चलो थोड़ा सा और चलते हैं अपन आगे, चलो इसको हटा दिया जाए थोड़ा सा। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें मैं, आर वन क्या लूंगा, इसको एक्सपेंड कर दूं मैं, तो सिर्फ ये बचा अपने पास, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ के माइनस 6 रूट टू, और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट, दिस इनटू दिस, तो 4 टू जा 8 माइनस क्या हो गया 5 बाय, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से आंसर देखो आप, ठीक है, यह आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या है अपना डिटर्मिनेंट, ये है अपना 0 था ना ये, तो के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहां से ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा और अपन देखें तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ दिस, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, माइनस तो जीरो हो गया, तो के माइनस 6 रूट टू इन टू, तो वाई की दो वैल्यू आ रही है, एक तो वाई की वैल्यू आ रही है यहां से 8 अपॉन 5, वाई की वैल्यू आ रही है 8 अपॉन 5, और दूसरा आ रही है के की वैल्यू 6 रूट टू, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो एक तो के की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 6 रूट टू, और y की वैल्यू क्या आ रही है 8 बाई 5, तो ऑप्शन में अपने पास क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी लिखा हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था अपने पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ एक्स वाई जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस d, x नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर अपना 3d, x नॉट इक्वल टू क्या है 3d है, ठीक है, ठीक है, तो देखो x नॉट इक्वल टू 3d है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3d की इक्वल नहीं होगी, और x की वैल्यू यदि 3d के इक्वल नहीं होगी, तो अपन ये कह सकते हैं सीधे कि 3d इसका मतलब क्या हो गया, x y z, यानी कि y किसके इक्वल होगा x प्लस d के, और z किसके इक्वल होगा x प्लस 2d के, सही है ना, तो आप यहां से क्या करोगे, इसको माइनस करो, तो y 5y, y की वैल्यू क्या आ गई देखो, अच्छा एक मिनट रुको, देखो यहां पर ये अपना z है ना, ये क्या है अपना z है ना, 2 नहीं है, क्या है z है, ये है ना z है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा अपना 4z, 8 नहीं आएगा, क्या आएगा 4z, ठीक है, चलो इसको हटाते हैं अपन, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 4z माइनस 5 बाई, अब ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 4z माइनस 5 बाई, तो यहां से आ गया 4z माइनस 5 बाई। अब देखो आपको ये पता है कि
एक्स की एक्स कॉमन डिफरेंस क्या इसका डी है, तो अपने पास वाई इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से, वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी और जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू डी। तो एक काम करो ना आप इसको x और d में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अपने को जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है अपने को x नॉट इक्वल टू 3d, तो आप यहाँ पे लिख लो x प्लस 2d, तो x प्लस 2d लिखो तो कितना आ जाएगा ये 4x प्लस 8d, और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस d लिखोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5d इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा ये 3d और ये कितना आ गया माइनस का x, तो माइनस का x प्लस 3d ये आ गया इक्वल टू क्या है 0, तो k माइनस 6 रूट 2 इक्वल टू क्या आ गया अपना ये, और अपने को साफ साफ कह रखा है कि x की वैल्यू 3d के इक्वल नहीं है, तो ये तो ये अपना क्या है नॉन जीरो, तो इसको नीचे ले गए 0 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपनी 6 रूट 2, तो अपना आंसर क्या आएगा 6 रूट 2 आएगा, बट ही इज आस्किंग अबाउट k स्क्वायर, सो आंसर विल बी k स्क्वायर 3672, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 6। Let A equal to this, B equal to this, such that AB equal to B and A plus D equal to 2021, then the value of this, AD minus BC पूछ रहा है आपसे। तो एक काम करते हैं मैं छोटा सा, अपन पहले AB equal to B कर लें put, तो AB equal to B करोगे तो क्या हो जाएगा AB equal to B, A into B क्या है अपना, A into B हो जाएगा A B C D और B हो जाएगा अपना अल्फा बीटा equal to B, B बोले तो अल्फा बीटा, और ये जीरो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है ना, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। चलो तो क्या आ जाएगा देखो जरा, ये आ जाएगा तुम्हारा R1 into C1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया आपको, ये मैट्रिक्स क्या है 2 बाई 2 और ये मैट्रिक्स क्या है 2 बाई 1, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 बाई 1 आएगा, जो कि इसके सेम होगा, है ना। चलो तो कर लें फटाफट से, बताओ क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा R1 into C1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए अल्फा प्लस बी बीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा सी अल्फा प्लस डी बीटा, ये हो गया। तो अब यहां से वैल्यू निकाल लो आप, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, कंपेयर करने पर ये अल्फा के इक्वल और सी अल्फा प्लस डी बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा बीटा के, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास दो इक्वेशन दो अननोन अल्फा बीटा। तो एक काम करते हैं अपन यहां से ना अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, अल्फा को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा यहां से अपने को कंपेयर करना है दोनों को, तो एक काम करो आप अल्फा को और बीटा को दोनों को दो इक्वेशन बना लो, है ना, यहां से क्या जाएगा अल्फा इंटू ए माइनस वन प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो और यहां से क्या आएगा सी माइनस वन इंटू नहीं डी माइनस वन आएगा ना, यस इसका क्या आएगा, इसका आएगा सी अल्फा प्लस डी माइनस वन इंटू बीटा बराबर जीरो, ये आगे। अब दो इक्वेशन दो अननोन है अपने पास, है ना, तो आप क्या करो सॉल्व कर लो या रेशियो लेके भी कर सकते हो सीधे, क्या किसको आप इधर ले जाओ और नीचे ले आओ, तो अल्फा अपॉन बीटा इस वाले इक्वेशन से बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए माइनस वन और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा अपना डी माइनस वन, यहां से आ जाएगा डी माइनस वन यानी कि डी माइनस वन अपॉन माइनस का अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपना आराम से, ठीक है, माइनस अल्फा नहीं सॉरी माइनस का सी, माइनस का सी, ठीक है लिख लोगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया ये बी सी इक्वल टू ए डी माइनस ए माइनस डी प्लस वन, क्लियर है बात। अपने को क्या निकालना था इसमें बताओ जरा, ये अपने को निकालना था इसमें ए प्लस डी देखा है 2020, अच्छा ए प्लस डी देखा है 2021, तो देखो माइनस इन कॉमन लोगे तो ए प्लस डी तो कितना हो जाएगा 2021, 2021 माइनस का है तो प्लस वन करोगे तो माइनस का कितना आ गया 2020 आ गया ये, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है ए डी, ए डी को उधर ले जाओ तो बी सी माइनस ए डी बराबर कितना आ गया माइनस का 2020, और अपने से क्या पूछ रहा था ये ए डी माइनस बी सी उल्टा पूछ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा 2020, आगे समझ बात ऐसे कर लेंगे सिंपल सा, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इफ वन लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ दिस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर अ रियल नंबर एक्स देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यदि अपने पास ये तीन नंबर किसमें है अपने पास एपी में गिवन है, तो पहले तो AP की कंडीशन ही लगा लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो अपने को हो सकता है यहाँ से वैल्यू मिल जाए x की और अपन पुट कर पाएं, तो एक काम करते हैं तीनों को अपन AP में लगा दें, तो AP में लगाओगे तीनों को तो क्या हो जाएगा बताओ, बीच वाले का ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म 4 टू द पावर x माइनस 2 और बेस सबका क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 को, 1 को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 लिख दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू बी,
तो ये हो जाएगा log a into b, यानी कि 10 into 4 to the power x plus 18 upon 5. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन. तो देखो 2 को तो ले जाओ छत पे ऊपर इसके, तो log log दोनों तरफ से क्या ले लो आप, गायब. तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू 4 की पावर x प्लस 36. क्लियर होगी बात. 5 टू 10 2 इंटू 18 36. अब इसका ऐसा करो होल स्क्वायर कर दो और y, इसको y मान लो आप. पहले क्या मान लो इसको y है ना, इसको मैंने मान लिया y. इसको y मान लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10y प्लस 36. ये आ जाएगा. तो अब एक काम करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10y प्लस 36. यू कैन सॉल्व इट इजीली. कैसे, y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 32 इक्वल टू 0. नाउ यू कैन इजीली फैक्टराइज. 32 के फैक्टर्स क्या होंगे अपने, 16 टू 32, तो y माइनस 16 इंटू वाई प्लस 2 आ गया, साफ दिख रहा है ना. तो y माइनस 16 और y प्लस 2, तो y की वैल्यू दो आ रही है, एक तो आ रही है y की वैल्यू 16 और y के लिए दूसरी आ रही है माइनस 2. तो माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना. अपन ने क्या माना था, 4 की पावर x को माना था क्या, y. तो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू दो आ रही है 16 और माइनस 2. माइनस 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 16 आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 का स्क्वायर यानी कि 16. तो y x की वैल्यू आ गई 2. तो इसमें x की वैल्यू आ गई 2. तो अब तो आप रख लोगे आराम से. तो ऐसा करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबको, ठीक है ना. इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2, ठीक है ना. चलो आ जाओ, x की वैल्यू दिया हमने 2. x की वैल्यू दी मैंने 2. तो बताओ क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, 2 रखोगे तो 2 इंटू कितना बचेगा बताओ, 3/2. यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखना है ना अपना, 2 0 0 1 1 2. इसको सिंप्लीफाई कर लो आप आराम से कर लोगे, 2 2 जा 2 से 2 कट गया. तो क्या बच गया अपने पास, ये बच गया. सॉल्व कर लो इसको, तो ऐसे ही कर लो डायरेक्ट. 3 इंटू कितना हो गया, 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 4 और प्लस का 4 इंटू क्या आ जाएगा, 1. तो कितना आंसर आ गया अपना, माइनस 6 प्लस 4 प्लस 4. तो कितना हो गया, 4 4 8 में 6 गया तो 2. तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ जाएगा फिर इसका आंसर, ठीक है ना. कर लोगे इसको आराम से, 0 2 इसका आंसर आ गया. चलो आगे चलते हैं. देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. क्या कह रहा है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, ए इंटू ए ट्रांसपोज है अपना आई टू, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4. तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो 1 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम से आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है. तो अब एक काम करता हूँ छोटा सा, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन. तो देखो क्या मिल जाएगा, आर वन इंटू सी टू सी वन, आर वन इंटू सी वन होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. आर वन इंटू सी टू तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा. आर टू इंटू सी वन तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा. और आर टू इंटू सी टू अगेन अल्फा, आर टू इंटू सी टू माइनस अल्फा स्क्वायर. ठीक है ना, आर टू इंटू सी टू प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है. अब चले आगे नेक्स्ट. तो क्या मिल गया अपने को, देखो ये किसके इक्वल आई टू के, तो क्या हो जाएगा 1001 1001. कंपेयर कर लो आप, तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं 0 से. तो क्या मिल जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. और एक इसको कंपेयर कर लेते हैं, किसको, इसको कर लेते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1. तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0. अल्फा की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे आप, तो बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 1. तो बीटा इक्वल टू 1 मिल गया, अल्फा इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, आंसर 1 आएगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस वन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन दिस. देख लेते हैं जो भी है. तो पहले तो एक काम करो आप, आपको सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना है, तो पहले क्या निकालो आप, डेल्टा. सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, डेल्टा. डेल्टा फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने पे यहाँ पे मिल रहा है आपको,
ना, डेल्टा तो इसका जीरो नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशंस क्या आइडेंटिकल बन जाती ना, आप इन दोनों को ऐड करो और इसको घटा दो, तो देखो एक्स भी गायब हो गया, वाई भी गायब हो गया, और जेड की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, जेड की वैल्यू आ रही है आपकी, है ना, इक्वेशन नंबर वन, ये टू और ये थ्री, मैंने क्या किया, वन प्लस थ्री माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दी, तो इससे क्या मिल रहा है देखो, वन प्लस थ्री माइनस सेकेंड, तो वन प्लस थ्री माइनस सेकेंड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, और ये कितना आ जाएगा टू, टू माइनस टू जीरो अगेन, और टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स माइनस टू कितना हो जाएगा फोर जेड, तो ये आ जाएगा फोर जेड, और नाइन प्लस एट कितना हो गया आपका सेवन, तो माइनस नाइन करेंगे तो नाइन सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एट, तो जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी टू, जेड की वैल्यू टू आ गई, तो इसको आप रख दो आप इसमें, है ना, इक्वेशंस में, तो इक्वेशन रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से जेड की वैल्यू टू, तो टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, और जेड की वैल्यू टू को इसमें रखोगे तो आप किसी में रख लो, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ये अगेन फाइव, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, है ना, डेल्टा डेल्टा वन के लिए हर बार जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, तो चलें आगे नेक्स्ट, और अल्फा बीटा गामा आप निकाल लोगे आराम से, है ना, चेक कर लेना, यदि वैसे आएगा नहीं इसमें ऑप्शन नहीं आएगा ये, है ना, क्वेश्चन नंबर टेन में देखो क्या कह रहा है, लेट ए बी अ थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ए इक्वल टू फोर, डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन है अपने को फोर, और क्या कह रहा है आपसे, आर आई डिनोट दी आई एथ रो ऑफ ए, ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग दी ऑपरेशन दिस वन, ये ऑपरेशन लगाना है अपने को टू ए पर, तो एक काम करो आप, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए पहले तो ए मानो आप, ए क्या मान लोगे, देखो आप ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, मान लिया, अब ये बताओ टू ए, टू ए क्या बन जाएगा अपना, सारे एलिमेंट्स टू से मल्टीप्लाई जाएंगे, तो टू ए टू ए टू टू ए थ्री, टू बी वन टू बी टू टू बी थ्री, टू सी वन टू सी टू टू सी थ्री, ये हो गया, अब अपने ऑपरेशन क्या लगाना है इसमें, ये इस ऑपरेशन को लगाने के बाद मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी, बी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बताओ क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगी अपनी, बी इक्वल टू ये हो जाएगी, ये तो सेम ही रहेंगे आर वन आर थ्री, तो इनको सेम लिख दो आप, टू ए वन टू ए टू टू ए थ्री, टू सी वन टू सी टू टू सी थ्री, चेंज किस में आ रहा है सिर्फ आर टू में, तो आर टू क्या बन जाएगी, बीच वाले का ट्वाइस, आर टू का ट्वाइस, यानी क्या हो गया फोर बी वन, और ऐड करना है फाइव टाइम्स ऑफ आर थ्री, तो हो जाएगा टेन सी वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर बी टू प्लस टेन सी टू, फोर बी थ्री प्लस टेन सी थ्री, ये आ गया, अब मेरी बात सुनो क्या करना है अपने को, देखो जो ऑपरेशन हुआ है ना इसकी वजह से जो चेंज आया है मैट्रिक्स में ना ए में, तो आप क्या करो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो किसमें, दोबारा से ए में, जिससे कि अपने को डिटरमिनेंट ऑफ बी बहुत ही आसानी से मिल जाए, तो एक काम करता हूँ पहले तो मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ बी बना लूँ, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा टू ए वन टू ए टू टू ए थ्री, और ये हो गया आपका सेम आ जाएगा ना फोर बी वन प्लस टेन सी वन, सेम यहाँ पर आ जाएगा, सेम यहाँ पर आ जाएगा यही, और ये हो गया टू सी वन टू सी टू टू सी थ्री, सही है, अब एक काम करो आप, देखो एक काम क्या करना है अपने को, इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मैं किसमें, सेम विद ए, ए में, तो एक काम करते हैं अपन छोटा सा, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है अपने अपने को फोर, तो ए में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, देखो टू 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 कॉमन ले लो पहले इसमें से तीनों में से, तो यहाँ तो कितना आ गया एट आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा पता है ए वन ए टू ए थ्री, यहाँ आ जाएगा सी वन सी टू सी थ्री, और बीच में जो आएगी ना रो उसमें क्या बचेगा टू बी वन प्लस फाइव सी वन, टू बी टू प्लस फाइव सी टू, टू सी थ्री प्लस टू बी थ्री प्लस फाइव सी थ्री, उसमें से क्या करो आप आर टू को चेंज कर दो, है ना, यहाँ लिख दूँ मैं आर टू को चेंज कर दो आप, आर टू माइनस क्या बचेगा आपको बताओ, आर टू माइनस फाइव आर थ्री, आर टू माइनस फाइव आर थ्री, तो आर टू माइनस फाइव आर थ्री क्या क्या बच जाएगा अपना, यहाँ बचेगा टू बी वन, यहाँ बचेगा टू बी टू, और यहाँ बचेगा टू बी थ्री, और इसमें से फिर से एक बार और टू कॉमन ले लोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा पता है सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ, और ये क्या बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू कितनी है फोर, फोर इंटू सिक्सटीन कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर, सो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका करेक्ट, ये काम करना है आपको, ठीक है, चलते हैं आगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है अपने को, पी गिवन है अपने को और अल्फा बिलोंग्स टू आर है, क्यू इक्वल टू क्यू आई जी एक मैट्रिक्स है सेटिस्फाइंग कर रही है किसको, पी क्यू बराबर के आई थ्री को, तो फॉर सम नॉन जीरो के, के की वैल्यू जीरो नहीं है कोई भी रियल नंबर होगी, इफ क्यू टू थ्री इक्वल टू ये है और
डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू ये, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकालना है। तो एक काम करो आप, पहले पी आपको दे रखा है, तो एक काम करो पहले तो आप क्या कर लो उसको देखो, पी क्यू इक्वल टू क्या दिख रहा है, के आई थ्री। तो एक बार बताओ मेरे को, पी इनवर्स ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू पी इनवर्स ऑफ आई, पी इनवर्स इंटू आई, छोड़ो थ्री को, है ना, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो आई हो गया, तो क्यू इक्वल टू आ गया अपने पास क्या, के पी इनवर्स, क्या आ गया, के पी इनवर्स। तो एक बात बताओ मेरे को आप, सिंपल सा यदि मेरे को Q इक्वल टू के क्यू मैट्रिक्स निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं, एडजेंट ऑफ P डिवाइड बाय इसका डिटरमिनेंट, सही बात है ना। तो अपने पास क्या मिल गया, Q मैट्रिक्स जो इसने कह रहा था, है ना, जो Q मैट्रिक्स कह रहा था ये, उसके बारे में आपको पता चल गया Q मैट्रिक्स क्या होगी, K इंटू एडजेंट ऑफ P अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ P। अब एक बात बताओ, Q23 अपने को कह रहा है माइनस के बाई 8, तो एक काम करें ना, पहले अपन Q निकाल लेते हैं और Q निकालने के बाद फिर अपन Q23 को इक्वल कर देंगे माइनस के बाई 8 के। तो बताओ क्या हो जाएगा, एडजेंट ऑफ P बताओ क्या होगा, पहले एडजेंट ऑफ P, एडजेंट ऑफ पी हो जाएगा आपका, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, थ्री का जीरो और फाइव अल्फा, तो यहां तो आ गया फाइव अल्फा, सही है, आगे अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, जीरो माइनस थ्री अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस का थ्री अल्फा आ जाएगा यहां पर, क्लियर। यहां पर कोफैक्टर क्या आएगा, टू इंटू माइनस फाइव यानी कि माइनस का टेन, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, जीरो माइनस टेन, तो प्लस का 10 हो जाएगा ये भी, जीरो का क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा जीरो माइनस प्लस सिक्स, यहाँ क्या आ जाएगा देखो, 15 प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, क्या आ जाएगा माइनस 12, बट क्या हो जाएगा वो प्लस 12, लास्ट यहाँ जाओ माइनस अल्फा एंड जीरो, तो माइनस अल्फा आ गया। यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का थ्री अल्फा माइनस का 4, सही है, और लास्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो प्लस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, और इसका क्या करना है ट्रांसपोज, ठीक है ना, एडजॉइंट निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ पी आ गया अपना फाइव अल्फा टेन माइनस अल्फा, थ्री अल्फा सिक्स माइनस थ्री अल्फा माइनस फोर, और ये आ गया माइनस टेन ट्वेल्व और टू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, अब आपको क्यू टू थ्री का मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, क्यू टू थ्री का मतलब एलिमेंट हो गया एडजॉइंट ऑफ दिस डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी, डिटरमिनेंट ऑफ पी भी निकाल लेते हैं अपन यहाँ से क्या आ जाएगा। तो देखो एक काम करो आप, चलो रहने डायरेक्ट सीधे कर दो, है ना, थ्री के साथ क्या आ जाएगा, थ्री के साथ आ जाएगा आपका जीरो फाइव अल्फा, वन के साथ क्या आ जाएगा, जीरो थ्री अल्फा, कैसा माइनस का, लास्ट में माइनस टू के साथ क्या आ जाएगा, माइनस टू के साथ आ जाएगा माइनस टेन, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो ये कितना हो गया 15 अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो कितना बचेगा 12 अल्फा, और ये कितना हो गया प्लस का 20, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ पी, ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ पी आ गया। अब बस कुछ नहीं करना आपको, ये एडजेंट ऑफ पी आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ पी मैंने अभी ये भी आपको बता दिया कितना 12 अल्फा प्लस 20। अभी काम करते हैं इसको, तो यहां से हटा देते हैं अपन, ठीक है, अब आ जाओ। तो अब बताओ मेरे को, डिटरमिनेंट ऑफ पी आ गया, एडजेंट ऑफ पी आ गया, अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ पी से डिवाइड कर दूं किसको, इस वाले एलिमेंट को, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, क्यू टू थ्री मिल जाएगा। तो क्यू टू थ्री कितना आ गया बताओ जरा, क्यू टू थ्री कितना आ गया, माइनस थ्री अल्फा माइनस फोर डिवाइड बाय 12 अल्फा प्लस 20, और ये किसके इक्वल दिखा है अपने को, माइनस के बाई 8। लेकिन एक बात तो ध्यान रखो, जो क्यू है उसमें के मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, तो इसमें के भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान रखो के को मल्टीप्लाई कर देना आगे, ना, तो के से तो के कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि के क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो अब अपने पास क्या बचा, ये बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का कितना हो गया 24 अल्फा माइनस का 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसा करो माइनस को प्लस कर देते हैं ना, इस माइनस से इस माइनस को प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका 12 अल्फा प्लस 20, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 अल्फा बराबर आ गया माइनस का 12, तो अल्फा इक्वल टू माइनस वन आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। अब अल्फा की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो माइनस वन रखोगे तो आप डिटरमिनेंट ऑफ पी मिल जाएगा आपको आराम से। तो एक काम करो ना, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा अपना, इसका डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट का मतलब क्या हो गया अपना, सी सी अपन क्या कर सकते हैं, के आप इसको सॉल्व कर लेना सीधे, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के आई का तो डिटरमिनेंट कितना हो गया, वन हो गया, तो के क्यूब हो जाएगा ना, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो के क्यूब अपॉन में क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ पी, और डिटरमिनेंट ऑफ पी आप निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू माइनस वन रखो यहाँ पर आप, तो क्या मिलेगा आप डिटरमिनेंट पी, डिटरमिनेंट ऑफ पी मिलेगा आपको 8, सही है ना, यस डिटरमिनेंट ऑफ पी मिलेगा 8, तो कर लोगे सॉल्व आराम से। तो क्या करना है अपने को, अल्फा स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर निकाल लोगे यहाँ, यहाँ से के स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या करना है फिर आपको, बस पुट करना है वैल्यू। चलो नेक्स्ट चलें,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लेट एम बी एनी 3x3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम दी सेट 0, 1, 2. दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स मैट्रिसेस फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम टी एम इज 7. ओके, 3x3 की मैट्रिक्स है एक एम, मान लेते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. अब अपने से कह रहा है कि इसमें इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इसके ट्रांसपोज से. तो ये क्या बन जाएगा? A1, B1, C1. यहाँ क्या आ जाएगा? A2, B2, C2. और यहाँ क्या आ जाएगा? A3, B3, C3. ठीक है ना, ये वन है. तो अब एम टी एम यानी कि एम ट्रांसपोज का एम से मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 7 है डायगोनल एलिमेंट. इसका मतलब देखो, डायगोनल का मतलब क्या हो गया? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, प्रिंसिपल डायगोनल. तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं एम टी को एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर वन को मैं सी वन से मल्टीप्लाई करूंगा. तो एक्चुअल में आप देखो तो हो क्या रहा है बताए? आर वन को सी वन से मल्टीप्लाई करोगे आप तो एम टी एम मैं लिख देता हूं, चलो है ना. ये आपको जो एलिमेंट मिलेगा ना, वो पता है क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा 1, 1, आर 1, 1 एलिमेंट मिलेगा. जो एम 1, 1 एलिमेंट का आपको क्या मिलेगा? आर 1 इंटू सी 1. तो ए 1 का ए 1 से, बी 1 का बी 1 से, सी 1 का सी 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो यहां पर आएगा ए 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 का स्क्वायर प्लस सी 1 का स्क्वायर. अब जो खास बात बनेगी वो क्या बनेगी? जब आप आर 2 को सी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बीच वाला एलिमेंट मिल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट. और वो पता है क्या मिलेगा? ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर. वन मिनट, आर टू को इससे तो क्या मिल जाएगा? ए टू स्क्वायर प्लस, एक मिनट, यहां पर कुछ बी वन, ये बी टू आएगा ना, ये बी टू आएगा. यस, अब देखो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. तो यहां पर क्या आएगा? ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. क्लियर? और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर, ऐसा होगा. और इसका होते ही क्या हो जाएगा अपने को? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है तो इनका सम करना है अपने को. किस किस का? ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर. इनका जो सम है ना रेगुलर एलिमेंट्स का, वो आ रहा है कितना? 7. वो आ रहा है कितना? 7. तो अब देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार. ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर और ऐसे क्या हो जाएगा? सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर. और इनका सम क्या आना चाहिए? 7. तो जो एलिमेंट्स है ना वो आप क्या क्या ले सकते हो? 0, 1, 2 में से ले सकते हो कोई भी एलिमेंट है ना. तो आप सोचो सारे सारे जीरो हो गए तो उसका क्या कभी सम 7 आएगा? नहीं आएगा. और आपको पता है कि ये सारे टर्म्स कैसे हैं? नॉन नेगेटिव हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0. तो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं सारे सारे. तो इनका सम यदि 7 चाहिए अपने को तो इंडिविजुअल टर्म का जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0. तो आप क्या कर सकते हो? सबको क्या कर दिया आपने? 7, 7 कर दिया. कोई भी दो तो क्या कर दिया आपने? 0. बाकी 7 क्या कर दिए? 7. यानी क्या हो गया? 7, 1 एंड 2, 0. ठीक है. या फिर क्या पॉसिबिलिटी बताओ? 7 मैंने 1 कर दिया, 7 को मैंने 1 से फिल कर दिया और 2 को 0 से, तो 7 आ जाएगा सम. या फिर मैं क्या करूं, एक जगह रख देता हूं 2, तो किसी भी एक जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो 1 तो रख दिया मैंने 2, एक तो रख दिया मैंने 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4. बाकी कितने बचे? अभी 3 और बचे है ना. अभी 7 चाहिए ना सम, तो 3 कम है सम, तो 3 कम है तो उसको 3 को क्या कर दो आप? 3 आप 1 रख दो, 3 1 रख दिए. 0 कितनी रखनी पड़ेंगी अब आपको? 3 और 1 4, तो 5 0 रखनी पड़ेंगी. क्या रखनी पड़ेंगी? 5 0. सही है ना? ठीक है ना. 1 और 3 4 और 5 9. सही है. अब अगला केस, मैंने क्या कर दिया? किसी भी एक एलिमेंट को कर दिया 2 और दूसरे को भी कर दिया 2. मतलब 2 तो 2 ले लिए मैंने और बाकी क्या ले सकते हैं? तो अब चेक करते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8. तो अपने को सम कितना चाहिए था? 7. लेकिन यहीं पर सम कितना आ गया अपना? 8 आ गया. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो 2 को अपन 2 नहीं ले सकते, अपन मैक्सिमम 1 को 2 ले सकते हैं और बाकी ये कंडीशन बन सकती हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? बस अपनी जो रिक्वायर्ड कंडीशन बनेंगी, जो अपने पास पॉसिबिलिटीज हैं वो यही हैं. तो इनको अब अरेंज कर लो आप मैट्रिक्स के अंदर. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इनको अरेंज करने की? तो देखो टोटल एलिमेंट कितने थे? 9 फैक्टोरियल,
डिवाइड बाय 7, तो उसमें से 1 थे और 2 0 थी, प्लस यहां जाओ एक तो 2 था तो वो तो डिफरेंट हो गया, बाकी 3 1 थे और 5 0 थी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5, तो 0 हो गई और 3 1 हो गए। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। चलो क्या कह रहा है देखो, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस वन k belongs to R, consider the following statements. ठीक है, the system has unique solution if k not equal to 2. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, डेल्टा के बारे में सोच लेते हैं। तो बताओ डेल्टा के बारे में सोचना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा लिख लेते हैं पहले अपन। डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 0, इसमें z नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और यहां पर क्या जाएगा 1 माइनस 1 k, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0 k 4। इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो फर्स्ट रो के लिए क्या हो जाएगा, 1 के साथ क्या आएगा, माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का क्या हो जाएगा, प्लस 2, और इसके साथ क्या आएगा, ये 0 था 6 था, ये 0 है ना। ठीक है, तो बताओ 0 के लिए क्या जाएगा, सॉरी माइनस 2 के लिए क्या जाएगा, 1 इंटू 4 4 माइनस 0, तो क्या हो गया यहां से, 4 2 जा 8, क्लियर। तो अब बताओ क्या आ जाएगा आंसर फाइनली अपना, ये आ गया अपना माइनस का के स्क्वायर और प्लस का 4, ये आ रहा है। अब ये यदि यूनिक सॉल्यूशन रखना है तो डेल्टा को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और यदि सॉल्यूशन रखना है, इनफिनिट सॉल्यूशन रखनी है तो के को डेल्टा को क्या करना है, जीरो। तो देखो दोनों कंडीशन लगा लेता हूं मैं, एक तो इनफाइनाइट के लिए और एक में दूसरा कॉलम बना लेता हूं, यूनिक सॉल्यूशन रखवाना है तो यूनिक या फिर नो सॉल्यूशन, है ना, चेक कर लेंगे जो भी होगा। तो बताओ मैं यहां से क्या कहूंगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए सोचेंगे अपन, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2, के की वैल्यू प्लस माइनस 2 के इक्वल होगी, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए बातें करनी है अपने को। और के की वैल्यू यदि नहीं रखनी है अपने को, क्या नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो फिर क्या होगा अपना, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन के लिए सोचेंगे। और यदि इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए क्या सोचेंगे अपन, ये तो डेल्टा जीरो हो जाए, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों जीरो हैं, तो अपन इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, ये तो डेल्टा भी जीरो और साथ में कोई एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई भी एक क्या हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो देखो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ के इक्वल के नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। सही बात है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा यदि के की वैल्यू क्या होगी, 2 या माइनस 2 के इक्वल नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन तो मिल गया मेरे को, एक तो मिल गया, ए ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू माइनस 2। यूनिक सॉल्यूशन रखता है यदि के की वैल्यू क्या हो, माइनस 2 हो। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ऊपर वालों में है ना, ऊपर वालों में क्या, ये तो क्या हो गया, के की वैल्यू माइनस 2 होगी, नहीं यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, के की वैल्यू माइनस 2 होगी, माइनस 2 हो जाएगी, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो सेकंड ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, थर्ड स्टेटमेंट पर, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू 2, ये भी नहीं है। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू 2, के की वैल्यू यदि 2 हो जाएगी तो ये इन्फिनिट सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा, यहां पे लिख देता मैंने ना, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो के की वैल्यू यदि 2 हो जाएगी तो सोचो आप, या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, के की वैल्यू 2 लेकर कोई भी आप एक निकाल लो इसमें से, डेल्टा 1 डेल्टा 2 कोई भी एक निकाल लो, है ना, तो उसको आप चेक करोगे क्या कि वो वैल्यू नॉन जीरो आ रही है कि जीरो आ रही है, के की वैल्यू 2 के लिए, तो आप इसको भी चेक कर लेना, ये भी इसका ऑप्शन सही आएगा, है ना, ये काम आपको करना है। दिस सिस्टम हैज इन्फिनिट नंबर सॉल्यूशन, नहीं है तो, है ना, गलत है। तो कुल मिला के अपना ए और डी ऑप्शन आएंगे इसके, है ना, और आप इस काम को खुद से करोगे, चले आगे कर लोगे। चलो तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट ए एंड बी बी 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ए सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ये ए सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, एंड बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा अपना, माइनस ऑफ बी। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, उसका जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल आता है माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। देन द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इक्वल टू जीरो, ओके, वेयर जीरो नहीं है मतलब जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वेयर एक्स इज अ 3x1 कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स एंड ओ इज अ 3x1 नल मैट्रिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, आप क्या करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको एक मैट्रिक्स मान लो पी, और इसका क्या निकाल लो आप ट्रांसपोज। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज जो होगा
वो इक्वल किसे होगा, पी ट्रांसपोज के। तो सिंपल सी बात है अपने पास, जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का ट्रांसपोज, आपको पता है कि बी का ट्रांसपोज क्या है, माइनस बी, बट स्क्वायर है तो क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए का ट्रांसपोज तो ए ही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी ट्रांसपोज। अब ध्यान से आप देखो तो क्या है, अपन ने माना था पी ए है और पी ट्रांसपोज आ रहा है ये, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना पी। ध्यान से आप देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो गया, पी ट्रांसपोज। यानी कि जो पी मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब अपने पास जो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अपन सिंपल सी बात ये कर सकते हैं कि यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कुछ मान लो, क्या मान लें इसको अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और साथ में इसकी बात करूं मैं तो इसको यदि मैं मान लूं ए बी सी, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इनटू एक्स, एक्स क्या है, 3x1 की कॉलम मैट्रिक्स है जो कि अननोन वेरिएबल के है। तो उसको मान लो आप एक्स वाई जेड, तो ये 3x1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, इक्वल टू क्या है, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ओ ओ क्या है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जीरो ऑर्डर की, जीरो एलिमेंट की, ठीक है ना। तो हो गया खत्म कहानी, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, माइनस का ए एक्स प्लस का सी जेड इक्वल टू वाई जीरो, और ये आ जाएगा माइनस का बी एक्स माइनस का सी वाई इक्वल टू जीरो। तो आपको दिख रहा होगा ये तीन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनके डी डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, आ गया ना समझ में। तो ये तो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, और डेल्टा की वैल्यू भी निकालोगे आप तो क्या आ रही है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपने को, तो अपने को क्या देखा, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ये, वन मिनट, ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस वन वेयर ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, देखो ये इक्वेशन के बारे में अपने वो दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन लगता है क्या ऐसी कंडीशन के लिए, या इनफिनिट सॉल्यूशन लगता है। तो एक काम करते हैं छोटा सा, अपन ना क्या करते हैं, देखो 5a इक्वल टू क्या है, 2b प्लस सी, और ए बी सी क्या है, अपने RHS में एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं छोटा सा, अपन अपने को कह रहा है मान लो 5 into a, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो इसके लिए अपन चेक कर लेते हैं कि अपन यदि ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या LHS में एक्स वाई जेड बचते हैं कि एलिमिनेट हो जाते हैं, ना। तो अपन चेक कर लेते हैं, तो 5a का मतलब क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 2b का मतलब इसको 2 से, और इसको 1 का मतलब 1 से, है ना। तो देखो चेक करके देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जोड़ के देखो क्या ये इसके बराबर आ रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चेक कर लो, 2 2 4 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10y, और ये कितना हो जाएगा 15, समझ आ रही है, आ रही है बात। और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 1 5 इक्वल हो गए, 2c 12 12 2 10, ये भी इक्वल आ रहा है, -22 7 -15, ये भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं अपन ये कंडीशन लगाने पर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो एक्स वाई जेड से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इनफाइनाइट होंगे, जब 5 इक्वल टू क्या आएगा, 2b + c। बाकी आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 करके भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो आप ए की पावर 20 निकालना है, ए की पावर 19 और ए, तो एक काम करो पहले तो एक स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालेंगे तो सही है ना, बीटा माइनस अल्फा निकालना है आपको, और बीटा माइनस अल्फा निकालने के लिए पहले तो कंडीशन को सेटिस्फाई करा के इक्वल टू आरएचएस करना पड़ेगा, वहां से अल्फा बीटा आएगा। तो चलो फटाफट से बताओ, ए स्क्वायर क्या जाएगा, दिस इंटू दिस यानी कि 1, फिर दिस इंटू दिस ये 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 हो गया, एंड देन ये यहाँ पर R2 into C2, तो 2 2 4 0 3 और -3, ये 0 आ रहा है ना, 0 आ जाएगा, 0 0 0 प्लस 1, ये आ गया ए स्क्वायर, ठीक है।
ए क्यूब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आर वन सी वन आर वन सी टू आर वन सी थ्री, देन आर टू सी वन आर टू सी टू आर टू सी थ्री एंड देन आर थ्री सी वन आर थ्री सी टू आर थ्री सी थ्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखो ए क्यूब, ए क्यूब क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ऐसा करो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे ना, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये वन, ये जीरो, ये जीरो, नेक्स्ट आर टू ले लो, ये जीरो और टू का क्यूब आ गया जीरो, जीरो नहीं थ्री बचेगा, थ्री आ रहा है, ठीक है ना, आर थ्री इंटू ये जीरो, थ्री आ गया, एक मिनट थ्री आ गया यहाँ पर, और चलो आगे नेक्स्ट जीरो जीरो माइनस वन जीरो, यानी कि और यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट वन, ये आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है ना, आप एक ए की पावर फोर भी निकाल लेना, बट आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो चेंज आया वो क्या आया है कि ये सारे एलिमेंट तो क्या हो गए जीरो 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 हो गए, तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो तो क्या आया है कि ए की पावर जो फोर आएगा ना वो आएगा पता है क्या, वन जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे आएगा टू का क्यूब और यहाँ आएगा वन, ये तो आएगा ए की पावर फोर, और मैं ए की पावर फाइव की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री और यहाँ पे क्या आएगा टू की पावर फाइव आ जाएगा, बस आगे असल में बाकी सब सेम ये तरीका रहेगा। तो क्या करो आप वैल्यू रख दो सीधे ना, तो बताओ जरा ए की पावर ट्वेंटी प्लस अल्फा इंटू ए की पावर 19 प्लस बीटा इंटू ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दूँ मैं आराम से, देखो ए टू द पावर 20 प्लस ये, तो ए की पावर 20 में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पर 1, अल्फा इंटू ए की पावर 19 में क्या आएगा इसका ये 1, और 1 को मिस किस मल्टीप्लाई करना है आपको अल्फा से, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस अल्फा, इसकी वजह से क्या आएगा बीटा इंटू ए, तो बीटा को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो खास बात क्या है ना कि इसमें राइट साइड में सारे एलिमेंट जीरो हैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, वन फोर और वन, ठीक है, तो आप कोई भी दो इक्वेशन ले लेना उससे आप अल्फा बीटा सॉल्व कर लोगे। तो एक काम करते हैं अपन एक इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो सारे एलिमेंट जीरो जीरो आएंगे, आप ना ये वाला एलिमेंट ले लो, कौन सा सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका ए की पावर 20 यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 20, ये हो गया ए की पावर 20 वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब क्या है अल्फा इंटू ए की पावर 19, अब अल्फा से मल्टीप्लाई करो इसको, ए की पावर 19 में क्या आएगा यहाँ पर 2 की पावर 19 आएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 2 की पावर 19 प्लस लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा अपने पास बीटा इंटू ए, तो बीटा इंटू ए क्या क्या आएगा 2 बीटा, तो यहाँ पर आएगा 2 बीटा, समझना की बात, बाकी सारे एलिमेंट जो भी आएंगे उनको लिख लेंगे अपन आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अपनी इस मैट्रिक्स के, यानी कि 1 0 0 0 0 0 0 4 1, इसको आप सिंपलीफाई कर लो, तो ऐसा करो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा को तो 1 के इक्वल कर दो, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ से 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 0। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सेकंड में आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 प्लस अल्फा इंटू 2 की पावर 19 प्लस 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ऐसा करते हैं 2 तो कॉमन ले लो समय से, है ना, या 2 कॉमन मत लो, है ना, यहाँ से 2 की पावर 19 कॉमन ले लो और बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देंगे अपन बाद में। तो एक काम करें अपन पहले रख देते हैं ना बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देते हैं और अल्फा वालों को एक साथ रख लो आप, अल्फा इंटू 2 की पावर 19 माइनस 2 इंटू अल्फा, सही है ना, बीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस अल्फा से यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या चला जाएगा 4 माइनस क्या चला जाएगा 2 की पावर 20। अब देखो ध्यान से इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा या 2 कॉमन ले लो, ऐसा करो 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा 2 माइनस 2 की पावर 19 और यहाँ से भी अल्फा कॉमन लोगे तो 2 की पावर 19 माइनस 2 यानी कि माइनस साइन और कॉमन लेना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से सॉल्व करके माइनस 2, अल्फा की वैल्यू माइनस 2, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 2, तो बीटा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा 2 माइनस माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 4 आ गया इसका आंसर, सही है मेरी बात, है ना। चलें आगे नेक्स्ट, दी वैल्यू ऑफ दिस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो आप जब भी ये सिमेट्रिक लगे आपको देखने में तो क्या करो आप ऑपरेशन लगा लो, ऑपरेशन क्या लगा लो, देखो आप ध्यान से क्या करा जाए इसमें आर टू में से आर वन को घटा दो और फिर उसके बाद पहले आर थ्री को चेंज कर लेना आर थ्री माइनस आर टू एंड देन आर टू को चेंज कर लेना आर टू माइनस आर वन, यू विल गेट योर सॉल्यूशन, कैसे करो माइनस, तो क्या आ जाएगा ये, इसको अपन है ना क्या कर सकते हैं आर थ्री माइनस आर टू, तो देखो
अल्फा प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस फोर माइनस अल्फा प्लस टू, तो अल्फा प्लस फोर माइनस अल्फा प्लस टू कितना आएगा टू, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया टू इंटू अल्फा प्लस थ्री, पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट पर आ जाओ, अल्फा प्लस फोर माइनस अल्फा प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वन, और वन माइनस वन क्या हो गया यहाँ पर जीरो। चले आगे आर टू माइनस आर वन करो, अब तो इसमें से इसको घटाओगे तो अल्फा प्लस टू कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस थ्री माइनस अल्फा प्लस वन तो कितना बचेगा टू, तो फिर अगेन क्या लिख दोगे इसको टू इंटू कॉमन क्या आया था अल्फा प्लस टू, अगेन कम हियर ये क्या हो जाएगा वन जीरो, और ये तो एज इट इज अल्फा प्लस टू और अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस टू। हो गई कहानी खत्म इसकी। आर ये जो कॉलम थ्री है इसके अलोंग से एक्सपेंड कर दो आप इस वन के लिए, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा वन इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टू अल्फा प्लस फोर माइनस टू अल्फा प्लस, ये बीटा कहाँ से आ गया थ्री होगा, ये है ना थ्री आएगा कॉमन, थ्री माइनस टू कितना हो गया वन, क्या कर रहे थे टू अल्फा प्लस सिक्स क्या आएगा टू अल्फा प्लस सिक्स, तो कर लो इसको सॉल्व, तो टू अल्फा से टू अल्फा कट गया, छः और चार कितना हो गया दस, तो इसका आंसर कितना आ गया टेन आ गया। एक मिनट एक मिनट, टू अल्फा प्लस सिक्स ठीक है माइनस हो गया, अच्छा माइनस सिक्स आएगा ये, और माइनस सिक्स आएगा तो क्या हो गया टू अल्फा प्लस फोर, ये सही है ना, तो माइनस का सिक्स प्लस का फोर कितना आ गया आंसर माइनस टू आ गया, ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन ठीक है इसका मतलब। चलते हैं आगे नेक्स्ट, लेट ए बी एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू विद इंटीजर एंट्रीज इफ सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर इज वन, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी कि मेन डायगोनल के एलिमेंट है ना, देन द पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स, तो एक काम करो आप पहले ए मैट्रिक्स मान लो टू बाई टू ऑर्डर की है, छोटी सी मैट्रिक्स है मान लो ए बी सी डी, और डायगोनल एलिमेंट का सम करना है तो क्या करो आप ए स्क्वायर के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के लिए सोचो आप ज्यादा मत सोचो है ना, तो आर वन इंटू सी वन करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस है ना ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये तो ए बी ये भी बी हो जाएगा डी ये भी बी हो जाएगा है ना सिमेट्रिक है तो एट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो करो आर वन इंटू सी वन क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो कब किससे आएगा आर टू इंटू सी टू से, अब वो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इनका जो सम है डायगोनल एलिमेंट्स का मैंने सीधे क्या किया डायगोनल एलिमेंट्स ही लिख लिए सीधे सीधे ठीक है ना, कर लोगे ना इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी आएगा क्या आएगा आर वन इंटू सी टू यानी कि ए बी प्लस बी डी, लेकिन जिसका काम है उसको करो ना आप सिर्फ है ना, यही काम कर लिया हमने सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और ये कितना है अपने को वन, तो एक काम करो आप देखो अपने को मिल गया ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर वन। अब देखो इसमें खास बात क्या लिखा हुआ है कि जो एंट्रीज है ना वो क्या है इंटीजर हैं, यानी कि वन है ना प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू जीरो कुछ भी हो सकती है ना, तो एक काम करो आप बट होगी इंटीग्रल, तो एक काम करते हैं अपन देखो ए और डी को आप जीरो जीरो ले लो और बी को आपने मान लो मिनिमम ले लिया वन, तो वन इंटू टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ना, तो बी को तो खासम खास क्या होना पड़ेगा जीरो, तो फिक्स हो गया बी की वैल्यू क्या लेनी है अपने को जीरो। अब बी की वैल्यू जीरो के लिए ए और डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए की वैल्यू जीरो हो जाए और डी की वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाए, या फिर ए की वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाए और डी की वैल्यू जीरो हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो बी की वैल्यू जीरो फिक्स हो गई, अब ए की वैल्यू जीरो तो डी की वैल्यू प्लस वन फिर डी की वैल्यू माइनस वन, तो दो मैट्रिक्स तो यहाँ से बनेंगी पॉसिबल मैट्रिक्स और दो यहाँ से बनेंगी, तो टोटल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है इसमें चार, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फोर। चलते हैं आगे नेक्स्ट, दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वन एक्स प्लस के वाई प्लस जेड बराबर के हैज नो सॉल्यूशन इफ के इज इक्वल टू, तो नो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया डेल्टा की वैल्यू जीरो बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मस्ट बी नॉन जीरो, तो कर देते हैं तो सबसे पहले क्या करो आप डेल्टा को जीरो करो आप, तो क्या आ जाएगा के वन 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 के वन और वन वन के, सही लिखा है इसको जीरो करो आप, तो क्या हो जाएगा के इंटू के स्क्वायर माइनस वन माइनस वन इंटू के माइनस वन आर वन के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ ठीक है ना, प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से वन माइनस के, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप के क्यूब माइनस के या माइनस के प्लस वन प्लस वन माइनस के इक्वल टू जीरो, क्लियर कितना आ गया ये के क्यूब माइनस थ्री के प्लस टू, अब फैक्टराइज मत कर देना इसको ये क्यूबिक इक्वेशन है ठीक है ना, अब फैक्टराइज करेंगे लेकिन कैसे करोगे बताओ, k की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है इसको, k की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है तो क्या हो जाएगा k माइनस वन इसका फैक्टर बन गया, k की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है ना इसको 3 माइनस थ्री जीरो,
तो k माइनस वन इसका फैक्टर बन गया, और k माइनस वन यदि फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा इसका, k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, तो प्लस का k लिखना पड़ेगा, माइनस का k तो माइनस का 2 लिखना पड़ेगा। ये आ गया तो कर लो गया, तो k की वैल्यू एक तो 1 आ गई यहाँ से, और ये इसके फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका होगा k प्लस 2 इंटू k माइनस 1, तो 1 और 2 यहाँ से भी आ रहे हैं। तो अब आपसे क्या कह रहा था ये, दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू निकालनी थी जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो डेल्टा की वैल्यू हमने जीरो करी, तो डेल्टा की वैल्यू जीरो करके दो वैल्यू आ रही है, 1 या 2। तो देखो 1 रखोगे ना, तो 1 रखने पे इक्वेशन क्या बननी है, सिमेट्रिक है ना, सेम टू सेम इक्वेशन होगी, दोनों ही तीनों ही लाइन एक ही होगी सेम है ना। तो एक काम करते हैं छोटा सा, क्या कि यदि k की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं k की वैल्यू 2 ले लेते हैं सीधे सीधे है ना, k की वैल्यू 2, और k की वैल्यू 2 लेके क्या करते हैं अपन, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनको आप चेक कर लोगे उस पर क्या रहा होगा, वो नॉन जीरो आ रहा होगा पक्का है ना, चेक कर लेना खुद से आप, ठीक है। चलो डेल्टा के की वैल्यू क्या होगी 2, इस तरीके से करते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन है तो डेल्टा की वैल्यू 0, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो है ना। चलो ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर, इफ ए इक्वल टू दिस लेट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। ओके सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने अपन, बताओ ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, खुद का खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो अल्फा का इससे करोगे तो जीरो आ गया, ये तो नहीं साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, सही है। फिर आर वन इंटू सी टू, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है ये जीरो ये साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर आ गया, हाफ आई टू में से माइनस करना है, को माइनस करना है, करो माइनस क्या आएगा ये, ए स्क्वायर माइनस हाफ आई टू, हाफ आई टू माइनस हो गया ना, क्या हो जाएगा हाफ आई, हाफ आई का मतलब हो गया हाफ जीरो जीरो हाफ है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस हाफ आई, ए स्क्वायर माइनस हाफ आई यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ जीरो जीरो, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ, मिल गया। अब निपटा दो इसको जल्दी से, क्या हो जाएगा बताओ, इसको एलसीएम ले लो आप, एक काम करो है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का कॉस टू अल्फा अपॉन टू जीरो जीरो, माइनस का कॉस टू अल्फा अपॉन टू। अब इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट ले लो आप, तो डिटरमिनेंट में सीधे लिख दूं, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस जीरो, तो दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर टू अल्फा अपॉन फोर इक्वल टू जीरो आ रहा है, और इक्वल टू जीरो है इसका मतलब डिटरमिनेंट यदि जीरो है तो कॉस स्क्वायर टू अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू अल्फा, तो वन प्लस कॉस फोर अल्फा बराबर जीरो आ गया, तो कॉस फोर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस वन, अब कॉस माइनस वन कहाँ पे होता है पाई पर, तो फोर अल्फा बराबर क्या हो गया पाई, तो अल्फा बराबर क्या आ गया पाई बाई फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा अल्फा बराबर पाई बाई फोर, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट 21, इफ ए इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, इसमें ये पूरी की पावर 10, ठीक है चल दो, चलो देखो सबसे पहले ए की पावर 10 निकालनी है और 2a की पावर 10 निकालनी है, तो एक काम करो पहले आप क्यूब और पावर 5 के बारे में सोचो मत, किसके बारे में सोचेंगे, इवन पावर के बारे में ना, तो इवन पावर में पहले ए स्क्वायर निकालो आप, ए स्क्वायर क्या आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा वो, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3, 0 एंड 0 0 माइनस 1 प्लस 1। अब ए की पावर 4 निकाल लो आप डायरेक्ट है ना, तो ए की पावर 4 क्या आ जाएगी इसका इस खुद से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर तो क्या हो गई 4, फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 2 2 4 दिया 12, 12 में से 12 और 3 15, ये 0 और ये 1, सही है। तो आप ध्यान से देखो ना, तो ए की पावर 10 पता है क्या आएगा, ए की पावर 10 आएगा 2 की पावर 10 1023 0 और 1, कैसे आया ये आप देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 2 माइनस 1, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1, सही है ना, इससे एक कम, तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 2 की पावर 12 कितना होगा 4096, तो ये आपको याद होने चाहिए ना, पता होना चाहिए 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक याद रहने चाहिए, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 6 तक याद रहने चाहिए आपको है ना, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं ना जो आपको याद रहनी चाहिए। तो बताओ क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 10 क्या हो गया ये, अब ए की पावर 10 मिल गया आपको, अब किसकी बात करनी है मेरे को 2a की, तो बताओ जरा मेरे को 2a क्या हो जाएगा, तो 2a क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ दिस, तो क्या हो गया ये 4 6 0 माइनस 2, इसका क्या लेना है मेरे को एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट ऑफ 2a, बताओ एडजॉइंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा,
एडजॉइंट ऑफ टू हो जाएगा आपका, इंटरचेंज साइन चेंज कर दो बस, माइनस टू फोर माइनस सिक्स जीरो, सही है ना, इंटरचेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, डायगोनल को इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, है ना, तो वही आएगा, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ टू है। अब एक काम करो आप, छोटा सा क्या कहे, इसकी पावर 10 है ना, तो इसकी पावर 10 है, इसका मतलब एक काम करो आप, एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10 निकालनी है आपको, है ना, तो इसकी पावर 10 करनी है आपको, तो एलिमेंट्स में ना सब में कॉमन आ रहा है, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस टू, तो माइनस टू को आप बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचे, क्या बचेगा, 1302, थोड़ा आसान लग रहा है देखने में, है ना, और इसकी पावर कर दो 10 आप, अब सही है ना, तो 2 की पावर 10 तो बाहर आ गया, अंदर इसका क्या निकाल लो, इसकी पावर 10 निकाल लो आप, क्या आएगी, तो इसकी पावर 10 निकालोगे तो क्या आएगी, चेक करें, इसको कुछ मान लो आप b, इसको b मान लेते हैं ना, 2a को मान लेते हैं b, इसको मतलब जो आया था अभी 1302, तो b स्क्वायर निकालो इसका, तो b स्क्वायर क्या आएगा, 1 3 और 6 8, सही लिखा है ना, 3 और 6 9 आएगा, सही बोला है मैंने, R1 C1 R1 C2, यानी कि 3 और 3 2 6 9, सही है, ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या आएगा 0 और 2 का स्क्वायर, ऐसा हो रहा है क्या, 3 का स्क्वायर आएगा फिर 2 का स्क्वायर आएगा, चेक कर लेते हैं, बी का पावर 4 और निकाल लो, बी की पावर 4 क्या आ जाएगी, इसका खुद से मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और फिर R1 C1 करेंगे तो 9 और 45 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा R2 into C2, 2 की पावर 4, है ना, तो ये तो क्लियर हो गया क्या, कि ये तो क्या आ रहा है अपना 2 की पावर 1, सही है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 4 हो गया, और यहाँ क्या चल रहा है देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ कितना हो गया 45, तो एक काम करते हैं अपन, देखो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो 3 4, ये माइनस का 2 कॉमन लिया था ना मैंने, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, है ना, और ये यदि माइनस का 2 बचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, है ना, तो एक काम करते हैं, एक मिनट इसको अपन दोबारा ही कर लेते हैं फिर, है ना, ठीक है, चलो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2, माइनस 2 का मतलब हो गया ये b स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर, 1 3 माइनस 6, माइनस का 2 0 3 0 0, यानी कि 2 का स्क्वायर, अब b की पावर 4 और निकाल लो आप इसमें, तो b की पावर 4 क्या आएगी, ये भी वही 1, ये 0, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2 और माइनस का 8, माइनस 2 एंड माइनस 8, इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट रुको, 3 माइनस 6 माइनस 3 आ रहा है, -3, अब करो R2 इंटू ये, तो ये तो आ गया 2 की पावर 4, और यहाँ क्या आ रहा है लास्ट, R1 इंटू C2 क्या आएगा, माइनस 3 और प्लस माइनस 12 का लोगे -15, ये आ रहा है -15, चलो ठीक है, तो बन गया काम, ये भी सेम काम बन गया वही जैसा, है ना, तो इसमें देखो ध्यान से क्या हो रहा है, बस माइनस का आ रहा है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं ना, इसको अपन जनरलाइज करें, तो 10 में क्या आएगा पता है, यहाँ पर तो 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा, तो फिक्स है, अब नीचे आएगा 2 की पावर 10, ये भी फिक्स सा हो गया लगभग, और यहाँ पर पता है क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 15, है ना, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो माइनस का 2 की पावर 10 माइनस 1, तो कितना आ गया, ये सॉल्व कर लो, 2 की पावर 10 तो पहले से ही है 1 माइनस, ये कितना हो गया 2 की पावर 10 माइनस 1, और वहाँ पर कितना है 1023, तो इसको भी लिख देते हैं 1023, और यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ 2 की पावर 10, यानी कि 1024, तो एक काम करते हैं आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से आप, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 10, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 20, तो एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, अब अपने जो करना है वो क्या करना है, 1 की पावर 10 में से घटाना है इसको, इसको तो अब इसमें से 1 की पावर 10 में से इसको घटाना है, तो क्या हो जाएगा सिंपल, देखो आप ध्यान से, यहाँ फर्स्ट कॉलम क्या है 2 की पावर 10 और 0, और यहाँ भी क्या आएगा 2 की पावर 10 0, तो माइनस करोगे तो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सीधे सीधे 0 आ जाएगी, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई सीधे सीधे 0 हो गई, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0, और ये वाला तो पार्ट कैलकुलेट कर ही लोगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ 1 की पावर 4 हो जाएगा सॉल्व आराम से, चलो आगे चले नेक्स्ट।
यस. क्वेश्चन नंबर 22, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए इसका, है ना. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो एक काम करो, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, तो क्या दिख रहे हैं आपको, जीरो दिख ही रहे हैं इसके. तो आप सीधे सीधे क्या करो, आप डेल्टा की वैल्यू जीरो कर दो. क्यों? क्योंकि यदि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो इन्फिनिट सॉल्यूशन आना चाहिए इसका मतलब, और इन्फिनिट सॉल्यूशन आने चाहिए तो डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो. चलो तो 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 म्यू 2 3, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो. तो चलो शुरू हो जाओ, क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 3 माइनस 2 यानी कि माइनस का 5 हो गया. तो 4 इंटू माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू क्या आएगा, 2 3 या 6 6 माइनस म्यू. क्लियर. और लास्ट में चलो 2 इंटू क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 प्लस म्यू, 4 प्लस म्यू इक्वल टू क्या है, जीरो. सॉल्व करो तो माइनस का 20 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा म्यू प्लस का 2 चौक 8 प्लस 2 म्यू बराबर जीरो. तो अपने सामने आ गया ये कुल मिला के, ये आ गया तुम्हारा. सॉल्व करो थोड़ा सा. तो इस एक काम करते हैं अपन, 8 माइनस 20 माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 माइनस 6 लैम्डा प्लस का लैम्डा म्यू प्लस का 2 म्यू. देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या ये, इसमें से माइनस 6 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस लैम्डा बचेगा, ये तो सही है. और यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन आ रहा है तो ये भी लैम्डा प्लस 2. अच्छा ठीक है, तो लैम्डा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो म्यू माइनस 6 बचेगा. तो लैम्डा प्लस 2 इंटू म्यू माइनस 6 इक्वल टू जीरो. तो म्यू की वैल्यू तो आ रही है 6 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2, है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ होनी चाहिए, है ना. एक काम ये भी मैं बोल सकता हूँ ना कि ये भी लैम्डा माइनस 2 के इक्वल है और म्यू कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर म्यू की वैल्यू 6 हो और लैम्डा कुछ भी हो तब भी वो जीरो होगा. तो कुल मिला के अपने पास इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो जाए, लैम्डा की वैल्यू 6, म्यू की वैल्यू 6, लैम्डा की वैल्यू आर, ये भी सही है, ये सही है. लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं गलत है, 3 गलत है. तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट. 23, लेट आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड पी बराबर ये है, देन द वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू एन फॉर विच पी टू द पावर एन इक्वल टू 5i माइनस 8p. तो एक काम करो, पहले आप ना 5i माइनस 8p की वैल्यू बताओ क्या आएगी. तो 5i का मतलब क्या हो गया, 5 5 5 0 0 0 0 0 0, माइनस 8p करना है आपको. तो 8 इंटू पी तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा 2 ऑर्डर किए गए, 2 ऑर्डर किए ना i, इसका मतलब क्या होगा अपना, ऑर्डर किए तो अपन एक काम करते हैं 5 5 0 0, ठीक है, माइनस क्या है अपना 8p. तो 8 इंटू पी करके 8 दोनों 16 माइनस 8 40 चॉइस, ठीक है 24. तो क्या हो गया कुल मिला के, ये सॉल्व कर लो, 5 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस 11 प्लस 8 माइनस 40 29, ये आ गया. अब बस अपने को ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये एन पी की किस पावर के लिए आएगी. तो एक काम करो आप, कुछ इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना, पी स्क्वायर निकाल लो आप, ऑर्डर बन जाएगा कुछ ना कुछ. तो पी स्क्वायर कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 और माइनस 5 यानी माइनस का बना गया. और सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा इसका, 2 माइनस 2 और प्लस 3, तो 1 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है. आर 2 इंटू सी 1, 5 दूनी 10 10 और 15 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है. और ये क्या आएगा, माइनस का 5 और प्लस का 9, तो यहाँ 4 आ जाएगा. पी की पावर 4 और निकाल लो आप, है ना, पी की पावर 4 और निकाल लो. तो पी की पावर 4 क्या आ जाएगा, इसका खुद से मल्टीप्लाई तो 1 और माइनस 5 तो माइनस का 4 आ जाएगा. और उसके बाद आर 1 इंटू सी 2, तो माइनस का 1 और माइनस का 20, सॉरी माइनस 1 और प्लस 4, तो प्लस का कितना आ गया 3. और ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 20 तो माइनस का 15 माइनस का 5 और 16 11, है ना, ये आ जाएगा. मुझे लग रहा है पी की पावर 6 निकालना, पी की पावर 6 निकालोगे क्या आएगा, माइनस का प्लस का 16 हो जाएगा, 16 माइनस 30 16 माइनस 45 16 माइनस 45 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 16 माइनस 45 आएगा तुम्हारा, कर लो आराम से, है ना, पी की पावर
सिक्स पी की पावर सिक्स निकाल लेते ना अपन, तो क्या करना पड़ेगा पी स्क्वायर इंटू पी की पावर फोर आर वन इंटू सी वन, तो ये हो जाएगा फोर और माइनस फिफ्टीन माइनस का इलेवन आ गया ना, सही है पी की पावर सिक्स के लिए आ जाएगा ये ना, और आर वन इंटू सी टू करो तो क्या हो गया माइनस का थ्री और प्लस का इलेवन तो प्लस का एट आ गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा आर टू इंटू सी वन यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस सिक्सटी ट्वेंटी माइनस सिक्सटी यानी कि माइनस का फोर्टी, सही है, और लास्ट में आर टू इंटू सी टू तो माइनस का पंद्रह प्लस का चौवालीस, माइनस का पंद्रह प्लस का चौवालीस इसका मतलब क्या हो गया उनतालीस यानी कि ट्वेंटी नाइन, ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना माइनस इलेवन, तो क्या हो गया पीक एन की वैल्यू कितना रही होगी सिक्स रही होगी इसका मतलब, ठीक है ना, इसमें ये ऐसे निकाल के चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 24, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 सच दैट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज इज 9, ठीक है सम 9 होना चाहिए, तो पहले तो एक बात बताओ मेरे को 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी उसको मान लें अपन, क्या मान लें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब इसको मेरे को इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है इसको इसी के ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे बताए क्या आएंगे, मैं सीधे लिख ही देता हूँ ना, इसको ए मान लिया तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो आएगा ना, तो देखो ये जो रो है वो क्या बन जाएगी कॉलम बन जाएगी ट्रांसपोज के लिए, तो क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते समय आर वन इंटू सी वन, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ए का ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर अपने क्या हो रहा है आर वन का आर वन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल में, है ना, तो आपको ये पता भी होगा है ना, प्रॉपर्टी पड़ी होगी आपने ये, तो फिर सीधे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, जब मैं सेकंड ये वाला एलिमेंट चाहिए होगा मेरे को मिडिल वाला बीच वाला है ना आर टू और सी टू वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा पता है अपने को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे, तो क्या हो जाएगा सीधे डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऐसी लास्ट एलिमेंट था क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये आप काम कर सकते हो आराम से, है ना, तो इक्वल टू में क्या आएगा अब अपना सबका सम कितना चाहिए अपने को वन चाहिए, तो ये सब इक्वल सॉरी नाइन सबका सम क्या होना चाहिए नाइन, सही है, तो बताओ इन सबका नाइन सम कब होगा, सबके सबके ऐसे हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम क्या होता है इक्वल टू आ रहा है क्या नाइन, और इसका मतलब क्या है नाइन टर्म्स हैं ये, तो सबके सब कितने रहे होंगे वन 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 रहे होंगे, एक बात तो ये हो गई, देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी नॉन नेगेटिव टर्म्स की जीरो हो सकती है ना जीरो हो सकती है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं सबकी जगह जीरो कर दूंगा, तो सबकी जगह जीरो कर दोगे तो इनका सम क्या आ जाएगा मिनिमम जीरो आ जाएगा, मेरे को सम चाहिए नाइन, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है सारे सारे वन 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 हो जाएं, क्योंकि मेरे को एंट्री जो लेनी है वो कहाँ से लेनी है जीरो वन टू थ्री से, तो मैंने सबको वन मान लिया है ना ऑल, या इसको मतलब क्या हो गया नाइन तो वन हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब आप एक इंट्रोड्यूस कर दो इसमें टू, तो एक जगह रख दो आप टू है ना इसको ऐसे लिख लो, एक तो मैंने ले लिया टू और बाकी हम क्या ले लें, देखो दो दुनी चार हो गया, चार और पांच कितना हो जाएगा नौ, तो मेरे को पांच क्या चाहिए इसमें से वन, पांच क्या चाहिए मेरे को वन, तो फाइव तो वन चाहिए और रेस्ट जो बचे वो क्या होना चाहिए जीरो, तो एक और पांच छह यानी कि तीन क्या हो जाने चाहिए जीरो, तो फुलफिलमेंट हो जाएगी अपनी है ना, सबका सम क्या आ जाएगा नहीं। अगला केस, अब आप दो टू ले लो है ना, दो को तो ले लो टू, तो दो ले लिए मैंने टू, तो दो दुनी चार दो दुनी चार 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 आठ हो गया, अब एक एलिमेंट कोई भी क्या हो जाए वन हो जाए, तो सबका सम क्या हो जाएगा नाइन, तो एक एलिमेंट क्या होना चाहिए वन, अब इसमें किसी को जीरो करने की जरूरत नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या सकती है, अब मैंने क्या किया था यहाँ पे दो टू कर दिए थे एक वन, अब आप क्या करो एक को थ्री कर दो किसी को भी एक को थ्री कर दो, तो थ्री थ्री जा नाइन, सब बाकी सब क्या होना चाहिए इसका मतलब जीरो, तभी इनका सम नाइन आएगा, तो एक क्या कर दिया आपने थ्री तब भी ये सब क्या आ जाएगा नाइन, यानी कि एट क्या हो जाएंगे अपने जीरो हो जाएंगे बाकी बचे हुए सारे सही है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, थ्री यूज कर लिया टू यूज कर लिया वन यूज कर लिया, बस हो गया आंसर फिर आ गया, सॉल्व कर लो इसको। अब नाइन वन को अरेंज करने का क्या तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, इसका क्या तरीका होगा नाइन फैक्टोरियल अपॉन में सेम कौन कौन है, टू तो अलग है फाइव तो वन है और तीन जीरो हैं, प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा बताओ, कर लोगे इस तरीके से नाइन फैक्टोरियल अपॉन में नीचे दो तो टू है तो टू फैक्टोरियल और वन एक है, तो क्या हो जाएगा बाकी कोई जीरो तो है नहीं सही है ना, नाइन बाकी सब जीरो लेने पड़ेंगे ना,
तो दो और एक तीन, तीन छः जीरो होने चाहिए, छः क्या होने चाहिए, जीरो, सही है ना, तभी तो होगा ना, छः जीरो होंगे, एक वन होगा और दो टू होंगे, तो क्या हो जाएगा टोटल नाइन टर्म्स हो गए, सही है। तो दो तीन और छः, तो क्या हो जाएगा टू फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या हो गया एट जीरो जाए और एक वन है, तो नाइन फैक्टोरियल अपॉन में एट फैक्टोरियल, तो इन सबको आप सम कर लो, आंसर आ जाएगा। करें चलें आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या करना है, थीटा की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू गिवन है, तो ए की पावर 4 प्लस ए इक्वल टू बी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बताना है, तो कुल मिला के पहले तो आप ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन गया कॉस टू थीटा, फिर आर वन इंटू सी टू करोगे तो कॉस साइन प्लस साइन कॉस, तो क्या बन जाएगा साइन टू थीटा बन जाएगा ये, फिर आगे चलो आर टू इंटू सी वन, तो ये माइनस का साइन टू थीटा बन जाएगा, आर टू इंटू सी टू ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन स्क्वायर और प्लस का कॉस स्क्वायर, तो वही कॉस टू थीटा। अब ए की पावर फोर निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आर वन इंटू सी वन, तो सॉरी आर वन इंटू सी वन, तो आर वन सी वन क्या हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, तो क्या बन जाएगा ये कॉस फोर थीटा, और यहाँ पर भी ऐसे क्या आएगा कॉस फोर थीटा ही आएगा, देखो है ना कर लो सॉल्व चाहो तो, है ना ये आएगा सेम, यहाँ पर क्या आएगा पता है आर वन इंटू सी टू, तो इसका इससे और इसका इससे, तो फिर उससे वही टू साइन कॉस है, तो क्या बन जाएगा ये साइन फोर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन फोर थीटा बट कैसा माइनस का, क्लियर होगी बात। अब इसमें आपको ए को ऐड करना है, तो ए को जब ऐड करोगे तो ए प्लस ए की पावर फोर क्या बन जाएगा ये, ऐड कर लोगे इनका है ना, और फिर क्या निकालना है उसका डिटरमिनेंट, तो आप एक काम करो, आप एक काम करो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ सीधे, है ना ए प्लस ए की पावर फोर का डिटरमिनेंट बताओ क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका साइन थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, अच्छा यहाँ पर कॉस था ना पहले, कॉस है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, और यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस साइन की पावर साइन फोर थीटा, सॉरी साइन फोर थीटा, कॉस फोर थीटा है ना, और यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका माइनस का साइन थीटा प्लस ए की पावर फोर क्या हो जाएगा पता है माइनस का साइन फोर थीटा, और बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट, अब इसमें कुछ नहीं करना थीटा की वैल्यू रखनी है मेरे को है ना पाई बाई फाइव, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस फोर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो इसमें आप कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, पहले कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो चलो कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि फाइव थीटा बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू कितना थ्री बाई टू, थ्री थीटा बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो फाइव थीटा बाई टू, और साइन सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कि यह आ जाएगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो थीटा के साथ क्या आ गया फाइव आ गया, और फाइव आ गया तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन फाइव रखोगे तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन फाइव रखते ही यहाँ पर थीटा की जगह सॉरी पाई बाई फाइव रखते ही थीटा की जगह पाई बाई फाइव रखोगे फाइव साइव कट जाएगा, साइन पाई टू कितना हो जाएगा वन, सेम विद दिस साइन पाई टू बचेगा यहाँ पर, और साइन कॉस पाई टू सॉरी कॉस पाई टू क्या हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म तो मेरे ख्याल से जीरो हो गया, ऐसी सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये क्या बच गया अपना साइन पाई टू तो वन हो गया, तो टू कॉस यहाँ पर भी क्या लिख लो आप थ्री पाई टेन, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ आ जाएगा टू कॉस थ्री पाई बाई टेन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री, तो कर लोगे सॉल्व इसको आराम से ना। चले आगे, दिस सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर बेस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन, लैम्डा के किन विभिन्न मानों के योग मानों का योग जिसके लिए समीकरण का ये अशून्य हल लगता है मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो देखो आप डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो क्या आ रहे हैं यहाँ से जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा को नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे तभी तो होंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो क्या होगा बताओ डेल्टा की वैल्यू जीरो कर दो आप इसको बस, तो लैम्डा माइनस वन थ्री लैम्डा प्लस वन टू लैम्डा, लैम्डा माइनस वन फोर लैम्डा माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री टू थ्री लैम्डा प्लस वन थ्री इंटू लैम्डा माइनस वन, तो इसका डिटरमिनेंट क्या कर दो आप जीरो कर दो, तो एक काम करो इसके लिए आप माइनस कर देंगे सीधे है ना, लैम्डा माइनस वन इसमें इसको माइनस कर दो है ना, आर टू में से आर वन को माइनस कर दो ऐसा, आर टू में से आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके देखो इससे आपको मिल जाएगा ये आपका ये तो हो गया जीरो, यहाँ आएगा लैम्डा माइनस थ्री और यहाँ आ जाएगा माइनस का लैम्डा प्लस का थ्री, और यहाँ सेम जैसा है लैम्डा माइनस वन, एक काम करें
थ्री लेमडा प्लस वन और टू लेमडा। एक काम और कर लो, है ना, एक काम और कर लो साथ में कि आर थ्री को भी चेंज कर लो, है ना, आर थ्री को भी चेंज कर दो, आर थ्री माइनस आर वन, सही है, आर थ्री माइनस आर वन। तो देखो क्या होगा, टू में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का लेमडा प्लस का वन प्लस का थ्री, सही है, इसमें उसको माइनस करोगे थ्री लेमडा कट गया, जीरो आ जाएगा ये। अगेन लास्ट में ये आ जाएगा लेमडा और माइनस का थ्री, ये आ गया, ठीक है। तो देखो अब तो सिंपल है, आराम से कर लो, ये लेमडा माइनस वन है और लेमडा माइनस थ्री, ये माइनस का लेमडा प्लस थ्री, ये लेमडा माइनस ये। तो एक काम करो, इसको भी आप इसमें ऐड कर दो, या फिर एक काम करो इसको खोल दो सीधे, है ना, खोल दो सीधे, क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा माइनस वन दिस इंटू सी वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते ना, दिस इंटू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि लेमडा माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जीरो, ये तो जीरो है ही, लास्ट में बचा माइनस का लेमडा प्लस थ्री, माइनस का लेमडा प्लस थ्री बचा, तो इसके लिए क्या आएगा बताओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, कर लोगे इसको सिम्प्लीफाई, बस मल्टीप्लाई करके जीरो करना है, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू फॉर विच द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। तो डेल्टा की वैल्यू क्या करनी है सबसे पहले अपने को, जीरो, तो डेल्टा की वैल्यू जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि अपने को मेंस के लिए अपने को ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है ना, आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बताओ डेल्टा की वैल्यू जीरो में वन 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 टू थ्री वन थ्री लेमडा, तो एक काम करो कोई भी दो इक्वेशन माइनस कर दो आप, है ना, तो एक काम करो R2 में से R1 हटा दो और R3 में से भी R2 हटा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस कर दोगे ना, मैंने बोला R2 में से R1 हटा दो आप और R3 को भी चेंज करके R3 में से R1 हटा दो, सही है, ये वाला काम करना है आपको, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन जीरो, 2 माइनस वन और ये 2, इसमें से भी हटाओ तो 0 2 लेमडा माइनस वन और यहाँ जो है वो रहेगा। अब क्या करो आप, C1 को के लिए एक्सपेंड कर दो, तो C1 के लिए एक्सपेंड करोगे तो 1 बचा बस, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया लेमडा माइनस वन माइनस फोर, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5 आ गई, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 5, तो लेमडा की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, पहले कौन आ रहा है लेमडा आ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू 5 किस में आ रही है, 1 और ये 2, इन दोनों में आ रही है। अब तुम म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक काम करना आप, एक काम करना आप, तो इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा भी 0 और साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 होने चाहिए, ये भी 0 होने चाहिए तीनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक रख देना आप, तो देखो ये तो आसान लग रहा है मेरे को, ये तो 1 1 1 है, इसको तो चेंज करना मत, आप चेंज कर देना 2 5 म्यू से किसको, ये 1 2 3 है, इसको चेंज कर लेना 1 3 लैम्डा को, है ना, 2 5 म्यू से, सही रहेगा, तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, इसको मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 2 3 और यहाँ पे लिख दो 2 5 म्यू, है ना, डेल्टा 3 ले लिया मैंने ना डेल्टा 3, इसको भी जीरो कर देते हैं, तो वही कर लो पहले वाला काम, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा दो, तो ये सॉरी ये 1 1 2 घटाओ 0 1 3 0 2 म्यू माइनस 2, अगेन इसको जीरो करना है ना, अगेन C1 के लिए एक्सपेंड करो 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस 2 माइनस 6 म्यू माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई यहाँ से, तो 5 एंड 8 ये आंसर आ जाएगा सर सेकंड, ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। Let M and M be the respective minimum and maximum value of this. Okay, अपने को minimum maximum value निकालनी है इसकी, तो एक काम करो आप, देखो पहले जब भी ऐसे determinant आए ना तो उसमें property use करने का सोचें सबसे पहले, तो operation क्या लगाएंगे इसमें, देखो आप एक काम करता हूँ मैं, second में से first को minus कर देता हूँ, तो cos square कट जाएगा, sin square कट जाएगा, वो कट जाएगा, और साथ में ये भी कर देते हैं, इसमें से भी कटा देते हैं, तो वही सेम कर रहा हूँ, देखो सब में सेम ऑपरेशन किया है मैंने, आर थ्री को चेंज करते हैं आर थ्री माइनस आर वन और R2 को भी चेंज करते हैं R2 माइनस R1, सब में सेम ही ऑपरेशन किया है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा cos स्क्वायर x 1 प्लस sin स्क्वायर x और ये sin 2x, यहाँ क्या हो जाएगा देखो, यहाँ 1 बचेगा माइनस का 1 बचेगा 0, यहाँ पर 0 माइनस का 1 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट अपने को निकालना है, तो एक काम करते हैं, अब किसके लिए एक्सपेंड करोगे आप बताओ, आप चाहो तो ये काम कर सकते हो वैसे मत करो छोड़ो, है ना, अब सीधे सीधे आप इसको एक्सपेंड कर दो, है ना, साइन कॉस में क्या हो जाएगी इक्वेशन बनेगी, तो उसकी रेंज अपन निकाल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर के लिए एक्सपेंड करो आप, मतलब सी वन के लिए, तो कॉस स्क्वायर के लिए क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
तो ये तो माइनस का बना गया, तो ये पहला एलिमेंट आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वन के लिए करूं तो माइनस का वन इंटू क्या आ जाएगा बताओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वन प्लस साइन स्क्वायर प्लस का साइन टू एक्स, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा साइन टू एक्स। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस का वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन टू एक्स, सही है। अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा ये, तो माइनस का और माइनस वन कितना हो गया, माइनस का टू हो गया, और माइनस का क्या है साथ में साइन टू एक्स है, तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है माइनस वन से प्लस वन, तो साइन टू एक्स की रेंज भी क्या होगी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए माइनस वन से प्लस वन, तो माइनस टू करना है तो माइनस टू माइनस माइनस वन से प्लस वन रेंज होगी इसकी, है ना, तो कितना हो जाएगा सेम ही रहेगा माइनस वन से प्लस वन, तो माइनस थ्री से माइनस वन रेंज क्या जाएगी माइनस थ्री से माइनस वन, तो रेंज क्या जाएगी माइनस थ्री से माइनस वन, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है चलो ये हो गया, ठीक है तो ये हो गया आपका, ठीक है तो ये था आपका डी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है चलो ऐसे ही पढ़ते रहो मेहनत करते रहो, थैंक यू।